हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बताया गया सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर में आपने देखा कि बहुत सारे सॉल्ट जो हैं वो वाटर में सॉलिबल हैं। सॉलिबिलिटी का मतलब यही था। फिर मैंने आपको बताया था कि जब जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते थे तो वो जो है वहाँ पे जब आपको हमने बोला था कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आपने कंबाइन किया हुआ था और उसका साल्ट सॉल्यूशन जब लिया हुआ था और जब उसका आपने पीएच मेंटेन किया हुआ था, पीएच चेक किया हुआ था, वो न्यूट्रल आ रहा था। और फिर आपसे मैंने बोला था कि जब जो है आपका क्या हो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो तो उस समय जो उसका सोल्यूशन होगा साल्ट का वो जो है एसिडिक नेचर शो करता है, मीन्स लेस देन क्या 7। और फिर मैंने बताया था कि आपको अगर साल्ट वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तब जो है जो आपका सॉल्ट का नेचर होगा वो बेसिक नेचर का होगा। तो इस तरीके से मीन्स उसका जो पीएच होगा ग्रेटर देन 7 होगा। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे यूजेज ऑफ सम कॉमन सॉल्ट। यूजेज ऑफ सम कॉमन सॉल्ट्स में आपको जो है कुछ सॉल्ट हैं जिनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग बनाया हुआ है नेम, फिर सॉल्ट और यूजेज। क्या उस जो है सॉल्ट का नाम है, उसका कॉमन नेम क्या है, फार्मूला क्या है और उसका यूज क्या है, वो आप देखेंगे यहाँ पे। क्योंकि ये जो है मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे इस वजह से नहीं बताया क्योंकि इसका केवल यूज आपको जानना है और क्या इसके फार्मूले हैं वो आपको यहाँ बताना है। तो देखिए सबसे पहला इसमें आपका है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का जो कॉमन नाम है, कॉमन नेम है, वो आपका जो है कॉमन सॉल्ट है। इसको लोग सोडियम क्लोराइड को सिंपल बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। और ये जो है इसका जो फार्मूला होता है NaCl। क्या है फार्मूला इसका? NaCl। अब देखिए इसका यूज क्या है, तो इसका यूज ये है कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, जो आपके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड एज प्रिवेंशन इन पिकल्स एंड करिंग मीट एंड फिश, मीन्स आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो है आपका जो NaCl है, ये जो आपके पिकल्स वगैरह होते हैं उनके प्रिवेंशन में इसका यूज होता है और जो आपके मीट या फिश वगैरह होते हैं इनको भी ये प्रिवेंट करता है, मीन्स उसको बचाता है। और NaCl का क्या यूज है, तो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा आपका है जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा हमने सॉल्ट लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका आपको जो है कॉमन नाम आपसे अगर पूछा जाएगा, कॉमन नेम, तो आप बोलेंगे बेकिंग पाउडर और इसका जो फॉर्मूला है वो NaHCO3। क्या है भाई? NaHCO3। अब जो है इसका क्या यूज है, तो आप देखेंगे कि फॉर प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर, जिसका यूज जो है बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है इन मेडिसिन, और इसका जो है यूज मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। तो इन मेडिसिन में किस तरीके से यूज किया जाता है उसको आप देखेंगे कि इन मेडिसिन टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। तो जब आपके जो है क्या स्टमक में एसिडिटी हो जाता है तो ये जो है जो आपका सोडियम, ये बेकिंग पाउडर है जिसको आप इनो वगैरह बोलते हैं, वो इसको क्या करता है, वो इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है आपके स्टमक में। और फिर जो है इन अ फायर एक्सटिंगिशर, ठीक है, और जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं इसमें भी जो है बेकिंग पाउडर का ही यूज किया जाता है। तो आप जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अच्छे से याद रखेंगे, इसका फार्मूला है NaHCO3 और इसका जो है जो कॉमन नेम है वो क्या है, बेकिंग पाउडर। ठीक, अब देखिए अब जो है इसका नेक्स्ट है आपका देखिए अब है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला है वो है Na2CO3 × 10H2O, या जो है आप इसका फार्मूला ये भी बना सकते हैं, बता सकते हैं Na2CO3, और इसका कॉमन नाम है वॉशिंग सोडा या सोडा एस। तो जो आपका बेकिंग पाउडर था, मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको हम जो है ईट भी कर सकते हैं, जो खाने के लिए यूज हो, और जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ये जो आपके सरफ वगैरह हैं, मीन्स जो डिटर्जेंट है इसमें इसका यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा। तो ये आप याद रखेंगे, जो वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है Na2CO3 और बेकिंग पाउडर का फार्मूला क्या है जो है आपका NaHCO3।
तो आपका जो वॉशिंग सोडा है वो Na2CO3 × 10H2O, ठीक है, या जो है आप इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं सोडा एस Na2CO3। तब इसका यूज क्या है, तो आप देख रहे हैं कि इन ग्लास इंडस्ट्री, जितने ग्लास इंडस्ट्री होते हैं वहां पे वॉशिंग सोडा का यूज होता है फॉर मेकिंग सोडियम सिलिकेट, और जो सोडियम सिलिकेट के मेकिंग में भी इसका यूज होता है फॉर प्रिपेयरिंग वॉशिंग पाउडर, और जो आपके वॉशिंग पाउडर मीन्स जो वॉशिंग पाउडर आप डिटर्जेंट यूज करते हैं घर में, उसमें भी जो है इसी वॉशिंग सोडा का यूज होता है इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होता है और वहाँ पे भी जो है वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। और सॉफ्टनिंग वाटर, और आप जानते हैं कि जैसे ब्लीच करना होता है तो ये जो है वाटर को साफ करने में भी इसका यूज किया जाता है, तो यही लिखा गया है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो इसमें दो चार यूज आप याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, क्या है इसका नेक्स्ट जो फोर्थ है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, इसका जो है कॉमन नेम है आपका क्या है नाइट्रेट, ठीक है ठीक है। तो अब जो है जो इसका फार्मूला है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है KNO3। अब देखिए इसका यूज क्या है, तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग गन पाउडर, जो आपके गन होते हैं गन पाउडर में जो है इसका यूज होता है किसका पोटेशियम नाइट्रेट का, और जो है यही कहा जा रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग गन पाउडर इन मेकिंग फायर वर्कर्स, ठीक है, एंड ग्लास इंडस्ट्रीज, और जो है ग्लास इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर, और जो है इसका यूज फर्टिलाइजर वगैरह में भी किया जाता है, ठीक। तो आप जो है पोटेशियम नाइट्रेट को याद रखेंगे, क्या है इसका फार्मूला KNO3, इसका यूज जो है गन पाउडर में किया जाता है एंड मेकिंग जो है फायर वर्क्स में, जो है जो आपके फायर वर्क्स मीन्स जो पड़ाके वगैरह बनाए जाते हैं वहां भी इसका यूज जो है किया जाता है। अब नेक्स्ट आपका है पोटेशियम एलम, जो है नेक्स्ट जो आपका नेम है वो क्या है पोटास एलम। अब इसका कॉमन नाम आप याद रखेंगे, बहुत जगहों पे पूछा जाता है, इसका जो कॉमन नाम है फिटकरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिटकरी का फार्मूला है कई बार बोर्ड एग्जामों में आपसे पूछा जाता है, तो जो फिटकरी का फार्मूला है वो K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्रायस × 24H2O। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्रायस × 24H2O, ठीक है। अब देखिए, और जो है इसका जो यूज है इन वाटर प्यूरिफिकेशन, आपको पता है कि जो फिटकरी का यूज है ये वाटर के प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है, तो जो फिटकरी का नाम है उसको उसका इन केमिकल नेम क्या है पोटास एलम, और जो इसका कॉमन नेम है फिटकरी, और फार्मूला इसका है K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्रायस × 24H2O, और इसका जो यूज है वो इन वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है कॉपर सल्फेट, क्या है नेक्स्ट भाई कॉपर सल्फेट मीन्स ब्लू, इसका जो कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट का जो कॉमन नेम है वो ब्लू विट्रोल है, क्या है ब्लू विट्रोल, तो इसका जो है विट्रोल, ठीक है। अब जो है इसका जो फार्मूला है कॉपर सल्फेट का CuSO4 × 5H2O, कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या है आपका CuSO4 × 5H2O। अब इसका यूज क्या है, तो आप देखेंगे कि एज अ फन गाइड इन इलेक्ट्रोफ्लॉटिंग, जहाँ पे जो है ये आपके इलेक्ट्रोफ्लॉटिंग वगैरह होते हैं इन इलेक्ट्रोफ्लॉटिंग में जो है इसका यूज किया जाता है, और जो है इसका यूज एज अ फन गाइड्स में भी किया जाता है, ठीक है कॉपर सल्फेट का। अब नेक्स्ट आपका है सोडियम स्ट्रेट, क्या है सोडियम स्ट्रेट, ठीक। तो सोडियम स्ट्रेट का जो कॉमन नेम है वो क्या है सोप, क्या है सोप, जो आप सोप यूज करते हैं। फिर जो इसका फॉर्मूला है वो आप याद रखेंगे C17H35 × COONA, सोडियम सिट्रेट का फॉर्मूला है C17H35 COONA। तो अब जो है इसका सोप का यूज तो आप जानते ही हैं कि फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, इसका यूज हम बाथिंग और क्लॉथिंग सॉरी वॉशिंग ऑफ क्लॉथ में करते हैं। अब नेक्स्ट आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने कई सारे रिएक्शन में भी आपको बताए थे, तो कैल्शियम जो कार्बोनेट आपका जो सॉल्ट है इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है लाइम स्टोन मार्बल, क्या है भाई कॉमन नेम लाइम स्टोन मार्बल, और जो इसका फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का वो आप जानते हैं क्या CaCO3, क्या फार्मूला है CaCO3। अब देखिए इसका यूज क्या है, तो एज कंस्ट्रक्शन
क्या इसका यूज है भाई, एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास लाइम इन क्या मेटलॉर्जी। तो इस तरीके से जो है आप इसको कैल्शियम कार्बोनेट को याद रखेंगे कि इसका यूज जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ग्लास एंड लाइम इन मेटलॉर्जी में किया जाता है। ठीक, अब जो आपका है नेक्स्ट 9, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट हेमी हाइड्रेट। देखिए एक बार मैं फिर से इसके नेम को जो है, जो आपका सॉल्ट है वो है आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट हेमी हाइड्रेट। तो इसका जो ये आप याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है जिप्सम। क्या है? जिप्सम। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो कैल्शियम सल्फेट है वो आपका जो है क्या है, वो CuSO4 है। केवल जो है जो आपका जो कैल्शियम सल्फेट है, सॉरी, तो कैल्शियम सल्फेट का जो सिंपल सा नेम है वो अभी जिप्सम आप नहीं बोलोगे, जब डाईहाइड्रेट हो जाता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, तब जो है आपका वो बनता है क्या, आपका बना जाता है जिप्सम। और जब जो है हेमी हाइड्रेट हो जाता है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला देखिए, यहाँ ऊपर लिखा है CuSO4, और जो इसका यूज है इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसका जो है जो कैल्शियम सल्फेट है इसका यूज कहाँ पे यूज किया जाता है आप याद रखेंगे, कहाँ पे, कैल्शियम सल्फेट का, तो ये एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। और जो आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है, मीन्स जिसका कॉमन नेम जिप्सम है, जिप्सम का फार्मूला आप याद रखेंगे CuSO4 × 2H2O। क्या है भाई? CuSO4 × 2H2O। तो इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो जिप्सम का यूज होता है ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। तो जिप्सम का आप फार्मूला याद रखेंगे क्या, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। तो देखिए इसका जो फार्मूला है CuSO4 × 2H2O, और जो है जो इसका यूज है इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ पे, इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज किया जाता है। तब जो आपका है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये जो है इसका जो फार्मूला है भी आपका है 2CaSO4 × H2O। क्या है? 2CaSO4 × H2O। इसका जो यूज है, इट इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग वॉल, जो वॉल के आप प्लास्टरिंग करवाते हैं घर पे, उसका उस पर इसका यूज होता है। तो इट इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग वॉल्स एंड फ्रैक्चर्ड बोन्स, और जब जो बोन्स वगैरह आपके टूट जाते हैं तो वहाँ भी जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो मटेरियल होता है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कैल्शियम, ये जो आपको हमने बताया कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका कॉमन नेम है। तो इसका जो फार्मूला है 2CaSO4 × H2O, तो इसका यूज जो है इट इज यूज फॉर प्लास्टरिंग वॉल्स एंड क्या, फ्रैक्चर्ड बोन्स। अब नेक्स्ट आपका है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है नेक्स्ट आपका? कैल्शियम फॉस्फेट, इसका जो कॉमन कैल्शियम फॉस्फेट जो है, इसका जो कॉमन नेम सिंपल से कैल्शियम फॉस्फेट ही बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला आप याद रखेंगे Ca3PO4 का होल ट्वाइस। क्या इसका कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला है? Ca3 × PO4 का होल ट्वाइस। और इसका यूज जो है कहाँ किया जाता है? तो फॉर मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में भी जो आपके जो फर्टिलाइजरिंग का जहाँ पे यूज का काम होता है वहाँ पे इसका जो है फर्टिलाइजर्स में यहाँ पे यूज होता है। अब देखिए सोडियम एसीटेट का जो फार्मूला है CH3COONa, सोडियम एसीटेट का जो फार्मूला है CH3COONa, और इसका जो यूज है वो फॉर प्रिपेयरिंग मेथेन गैस। कहाँ पे किया जाता है सोडियम एसीटेट का यूज? तो आप याद रखेंगे फॉर प्रिपेयरिंग मेथेन गैस। नेक्स्ट आपका है अमोनियम सल्फेट। तो ये फार्मूला आपका होगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो इसका भी जो यूज होता है वो फर्टिलाइजर वगैरह में यूज होता है। और जो अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3 एज फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोज
एक्सप्लोसिव में जो है इसका यूज होता है। तो ये आप बहुत ही अच्छे तरीके से जितने आपको जो ये कॉमन सॉल्ट बताए गए हैं उसके कॉमन नेम, उसके फार्मूला और इसके एक दो यूजेज, जैसे मैंने यहाँ पे कई सारे यूजेज आपको बताए थे, तो एक दो यूजेज आप क्या कर लेंगे, अच्छे से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से देख लेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये लिखा है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। क्या लिखा है? केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। किस तरीके से जो है आप केमिकल के द्वारा कॉमन सॉल्ट को बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पे कि कॉमन सॉल्ट, सबसे पहले आपका कॉमन सॉल्ट ही आएगा कि कॉमन सॉल्ट को किस तरीके से बनाएंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो देखिए कॉमन सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड ऑफ, आयनिक कंपाउंड माने आयनिक कंपाउंड कब बोला जाता है कि जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक कर जाए, जैसे ही आप वाटर में उसको डिजॉल्व करें तो सोडियम माने सोडियम Na+ और क्लोरीन Cl- क्लोराइड आयन और सोडियम आयन वो बनाए। तो यही कहा जा रहा है कि कॉमन सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। ठीक, नेक्स्ट दूसरा जो स्टेप है ये कहा जा रहा है कि हाईली प्यूरिफाइड, क्या हाईली प्यूरिफाइड सैंपल ऑफ कॉमन सॉल्ट माने NaCl इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हाईली प्यूरिफाइड सैंपल ऑफ कॉमन सॉल्ट इज कॉल्ड जो है उसी को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए द मेन सोर्सेस ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो मेन सोर्सेस है कॉमन सॉल्ट का, जो आप कॉमन सॉल्ट यहाँ पे बोल रहे हैं सोडियम क्लोराइड, इसका मेन सोर्सेस क्या क्या है, तो आप देखेंगे तो ये जो है सी वाटर, इन इज सी वाटर, सबसे पहले सी वाटर, और जो है आपका तो आप यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है कि सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट। सी वाटर में बहुत सारे जो आपके सॉल्ट हैं वो कंटेन करते हैं, डिजॉल्व इन डिजॉल्व इट, और जो है इसमें बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं। अब फिर आपसे बोला जा रहा है कि सी वाटर इज ट्रैप्ड इन लार्ज, फिर जो है आपसे बोला जा रहा है कि सी वाटर इज ट्रैप्ड इन लार्ज स्वेलो पूल्स एंड इज अलाउडेड टू, ठीक है, अलाउडेड टू इवेपोरेट इन सनलाइट। मीन्स आपसे ये बोला जा रहा है कि जब जहाँ पे सी वाटर है वहाँ पे ये ट्रैप्ड होता है और स्लैलो पूल्स बनाते हैं और अलाउ टू इवेपोरेट द सनलाइट, और जब वहाँ पे सनलाइट पड़ती है तो जो वहाँ के इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, माने जो है जो वाटर होते हैं वो भाप बन के जो है क्या होने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, और जब जो है वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं, देखिए वाटर इवेपोरेट स्लोली टू इम्प्रूव कॉमन सॉरी, तो ये कहा जा रहा है कि वाटर इवेपोरेट, जब वाटर इवेपोरेट होते हैं स्लोली स्लोली, तो टू इम्प्योर कॉमन सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, तो जो इम्प्योर कॉमन सॉल्ट होता है वो वहां पे बचता है, फिर हम इसी इम्प्योर कॉमन सॉल्ट को इज देन प्यूरिफाइड, फिर इसी हम जो इम्प्योर सॉल्ट को क्या करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं, और फिर जो है ये मार्केट में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से जो है बिकता है, जैसे आप टाटा नमक खाते हैं, आयोडीन नमक होता है, बहुत सारे जो है आपके वैरायटी के सॉल्ट आते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि नमक का जो कॉमन सॉल्ट का जो मेन सोर्सेस है वो सी है, समुद्र है, और वहां से जो है पहले क्या होता है कि जब जो है वहां पे ये ट्रैप्ड उठती हैं, मीन्स उठते हैं, तो वो बड़े बड़े पूल्स बनाते हैं, और फिर वही पूल्स में जो है जब वहां पे धूप होती है तो उसके जो है माने ढेर जब लग जाता है, तो उस ढेर से जब धीरे धीरे वहां के पानी इवेपोरेट होने माने भाप बन के पानी उड़ जाते हैं, तो सिंपल इम्प्योर सॉल्ट बचता है, फिर उसी इम्प्योर सॉल्ट का हम क्या करते हैं प्यूरिफिकेशन करते हैं, और जब वो प्यूरिफाइड हो जाता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, पैकेट वगैरह में पैक करके मार्केट में अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि कॉमन सॉल्ट माने सोडियम क्लोराइड इज आल्सो फाउंड एज रॉक सॉल्ट, और जो है जो कॉमन सॉल्ट है और भी इसका एक सोर्सेस है, वो क्या है कि जो है जो कॉमन सॉल्ट है जो सोडियम क्लोराइड है इज आल्सो फाउंड एज रॉक सॉल्ट में भी पाया जाता है, एंड इज फाउंड एज अंडरग्राउंड डिपॉजिट, और जो है कुछ जो है यहाँ पे इसको कुछ अंडरग्राउंड डिपॉजिट में भी पाया जाता है। फिर देखिए सम कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट आर, ठीक है, तो ये देखिए आपसे ये कहा जा रहा है कि सम कॉमनली यूज्ड जो है सम जो कॉमनली यूज्ड है सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेंड किए जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड माने कास्टिक सोडा NaOH, ठीक, तो और ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपकी हेडिंग है, जो यहाँ पे हमने आपको हेडिंग दिया है कि सम कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस विच कैन ऑब्टेंड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो ये जो है कुछ और जो आपके जो कॉमन सॉल्ट हैं, मैंने जो है
कुछ सब्सटेंस का यूज करके किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे, और जो है आपका यहाँ पे वॉशिंग सोडा कैसे बनाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे, तो ये सारे जो टर्म है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हाउ टू मेक, कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं, किस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर को बनाते हैं, किस तरीके से बेकिंग पाउडर को बनाते हैं, तो ये सारे जो है जो पांच हैं आपके, माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और आपका जो है क्या वॉशिंग सोडा और प्लास्टिक ऑफ पेरिस, ये जो पांच आपके हैं यहाँ पे, जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर और जो है बेकिंग सोडा जो है जो यूज कर रहे हैं, इन सबका जो है, इन जो मैंने अभी पांच आपको नाम लिए, इन पांचों सॉल्ट से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल एक से दो जो है आपको पूछता है कि इसको किस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड या ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे आप बनाते हैं, इसका क्या जनरल नेम है, माने कॉमन नेम है, इसका फार्मूला क्या है, इसका यूजेज क्या है, तो ये हर साल पूछता है। ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों वीडियो जो अभी हमने दोनों पीडीएफ डाला हुआ है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।